नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेके ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपके बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कार्यपालक सहायता से जुड़ी ऑफिशियल नोटिस प्रोवाइड कर दी गई है और आपका टाइपिंग टेस्ट का एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वीडियो आप लास्ट तक देखना। सबसे पहले आपको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, उसके बाद आपको नोटिस के ऑप्शन पर आना है। आप लोग देख पा रहे हो और यहाँ पर दिया गया एच क्यू 2018, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है कि नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ जिस तरह का आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे, ध्यान देकर बात को हमारी सुनिएगा। यहाँ पर जो लास्ट में तीसरे नंबर की नोटिस दी गई है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की है, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था तो उनका एक्सेप्ट किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। दूसरे नंबर पर आप लोग देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में बताया गया, जो और आपकी पहली नोटिस है वहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है आपसे एग्जाम की जुड़ी। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ध्यान देकर यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम देने जाना है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका ओरिजिनल कॉपी साथ में और दो रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और आपको आधार कार्ड और वोटर कार्ड में से एक आपको क्या है कि प्रूफ लेके जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आपका 28 तारीख से यानी 28 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है टाइपिंग टेस्ट का। और यहाँ पर आपके वीएनयू के बारे में बताया गया है, एग्जाम सेंटर के बारे में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस देख पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर सेंटर सब डिवीजन ऑफिस कैंपस बेगूसराय, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है सभी लोगों का है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर क्या है कि नोटिस को बारी बारी से डाउनलोड करके सारी बातें बताते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरे नंबर की नोटिस को डाउनलोड करते हैं, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वाली। चलिए नोटिस को डाउनलोड करके बताते हैं क्या बातें यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वाली नोटिस को डाउनलोड कर लिया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं जिनका ऑब्जेक्शन यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया उनके आगे स्वीकृत लिखा गया, जिनका अनसेप्ट कर दिया गया उनके आगे अस्वीकृत किया गया है। तीसरा, आप लोग अपना अपना नाम चेक कर लीजिएगा, टोटल 7 पेज का ही पीडीएफ है। चलिए अब सेकंड नंबर की नोटिस को डाउनलोड करते हैं और आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में बताते हैं। सेकंड नंबर की नोटिस तो हमने क्लिक कर दिया, पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए हम डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। और आप लोग देख पा रहे हैं सेकंड नंबर की नोटिस आपकी कुछ इस तरह की ओपन हो जाएगी, टोटल 139 पेज का ये पीडीएफ है। और सबसे ऊपर आ जाते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट 2019 एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर टाइपिंग टेस्ट, और यहाँ पर आपका नाम दिया गया और आपका स्टार नंबर दिया गया, एप्लीकेशन नेम दिया गया, फादर नेम है, और यहाँ पर मैट्रिक के परसेंटेज दिए गए हैं और डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया और रिपोर्टिंग टाइप दी गई। सो आप लोग अपना नाम जरूर चेक कीजिएगा और हम आपको बताते हैं चेक कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर किसी का नाम है अरुण कुमार, अरुण कुमार को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करेंगे फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा और आपको अरुण टाइप कर देना है, अरुण एंड कुमार टाइप कर देना है, पूरा नाम लिख लीजिएगा क्योंकि एक जैसे ढेर सारे नाम होते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दो नाम सर्च कर रहा है, एक तरुण है एक अरुण है। तो आप लोग इस तरह से अपना नाम चेक कर लेंगे और आप अपना यहाँ पर स्टार नंबर चेक कर लेंगे, सारी जानकारी आपसे आप ले लेंगे। इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा और टोटल यहाँ से 139 पेज का पीडीएफ है। नीचे आपको ले चलते हैं और बताते हैं कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 5,402 कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमने पहली नोटिस डाउनलोड कर रखी है, और यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे दिया गया है आपका जो K2 एक्सटेंस रिक्वायरमेंट 2019 और यहाँ पर विथ 30 कैंपस यानी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल दिया गया है। और हम आपको बता दें यहाँ पर आपका स्टार नंबर दिया गया और स्टार रेंज दिया गया है, इसको आप इंपॉर्टेंट देखिएगा। और आपका एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर जैसे कि 28 जनवरी है, उसके बाद यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 9 AM एंड 1 AM, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा एक ही दिन में दो मीटिंग होगा, फर्स्ट मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग। और आपकी यहाँ पर टोटल बैच दी गई है कितने कैंडिडेट टोटल शामिल होंगे एक दिन में, और यहाँ पर टोटल 360 कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं। जैसे कि आपका अब आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा, 1 से 80 के बीच में अगर आपका एसआर नंबर रेंज आता है, आप लोग देख पा रहे हैं 1 से 80 के बीच में आपका एसआर नंबर आता है, जो कि हमने सेकंड नंबर के वाली नोटिस में बताया था, वो वाला एसआर नंबर आपको देखना है, यहाँ का एसआर नंबर नहीं देखना है। ठीक, तो जब आपका 180 के बीच में एसआर नंबर आता है तो आपका 28 जनवरी को एंड फर्स्ट मीटिंग आपका एग्ज़ाम होगा। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 28 जनवरी को फर्स्ट मीटिंग आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 9 AM होगा, और यहाँ पर टोटल 180 कैंडिडेट होंगे फर्स्ट मीटिंग में। और उसी दिन सेम 181 से 360 के बीच में जो रेंज है जिनका ऐसा नंबर आता है, उनका उसी दिन यानी 28 जनवरी को ही सेकेंड मीटिंग एग्जाम होगा। 180 कैंडिडेट होंगे, टोटल यहाँ पर 360 कैंडिडेट होने वाले हैं। ठीक, इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। और हम आपको बता दें दोस्तों, देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पर जो ये वाला कॉलम है 28 जनवरी, यहाँ पर इस कॉलम में टोटल उनका सेम डेज पर एग्जाम होगा, सेम सेंटर आप लोगों को पता ही है, और ये आप देख पा रहे हैं इतना आपका। इसी तरह से आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा एंड इस तरह से आप लोग अपना एग्जाम शेड्यूल चेक कर लेंगे दोस्तों, सभी का यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। और चलिए ऊपर बताते हैं यहाँ पर कुछ बातें जो बताई गई है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया है
जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, आपका पूर्णांक 30 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 15 मिनट ली जाएगी, और जिसमें हिंदी कृतिदेव 010 फॉन्ट पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और 10 मिनट अंग्रेजी का होगा जिसमें टाइम न्यू रोमन का होगा, और 5 मिनट निर्धारित है यहाँ पर, देख पा रहे हैं 10 अंक है यहाँ पर, क्या है कि अंग्रेजी के, एंड यहाँ पर 30 अंक हैं क्या है कि कृतिदेव, मतलब 20 अंक हैं हिंदी टाइपिंग के, टोटल मिला के आपका पूर्णांक 30 अंकों का होने वाला है, ठीक, और 5 मिनट आपका अंग्रेजी का होगा और 10 मिनट आपका हिंदी का होगा, टोटल 15 मिनट का आपका टाइपिंग होगा, और यह परीक्षा कंप्यूटर सेट से अधिष्ठित सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित किया जाएगा, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का यह सॉफ्टवेयर है, और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर टंकण दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर, यानी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं आना है उपकरण, और नीचे आएंगे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा की निर्धारित तिथि, जैसे कि हमने आपको बताया कि निर्धारित तिथि टाइम से, जैसे 9 AM है तो आपको 8 AM पहुँच जाना है, 1 घंटा पूर्व पहुँचना है, और जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि आपको दो रंगीन साइज के फोटो और अप्लीकेशन फॉर्म और आपको आधार कार्ड एंड या फिर आपके पास कोई भी एक प्रूफ होना जो कि फोटो युक्त हो उसको लेके जाना है, और यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा का संचालन जो कि आपके पदाधिकारी के बारे में बताया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर दीजिए, आपकी कन्फ्यूजन हम क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।